मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है और वो हमारे घर तक कैसे आती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए टरबाइन और जनरेटर मेन पार्ट होते हैं। टरबाइन को घुमाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कन्वेंशनल सोर्स और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स में थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर और नॉन कन्वेंशनल में वाइंड पावर, सोलर पावर, बायोमास पावर, टाइडल वेव एनर्जी और जियो थर्मल एनर्जी। इसमें से एक दो प्रकार मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहला है हाइड्रो पावर प्लांट, इसके लिए डैम का यूज करते हैं। डैम के पानी को बहुत हाई लेवल पर जमाया जाता है और उस पानी को बहुत हाई प्रेशर में एक पाइप के जरिए नीचे छोड़ा जाता है। उस पाइप में बीच में टरबाइन लगा रहता है और उस हाई प्रेशर पानी से वो टरबाइन जोर जोर से घूमता है। टरबाइन जनरेटर को ज्वाइन होता है और जनरेटर बिजली तैयार करता है। जनरेटर कैसे काम करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा है वाइंड पावर प्लांट, आपने कभी न कभी ये देखा ही होगा। इसमें बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं, इनको पहाड़ों पर लगाया जाता है। पहाड़ों पर जोरदार हवा रहती है, इससे ये पंखे घूमते हैं और इन पंखों को टरबाइन लगा रहता है। टरबाइन पंखों के साथ जोर से घूमते हैं, इससे जनरेटर बिजली प्रोड्यूस करता है। तीसरा है थर्मल पावर प्लांट, इसमें कोयले का यूज करके बिजली बनाई जाती है। कोयले का यूज करके पानी को उबाला जाता है, जब वो पानी गर्म होता है तब उसमें से जो बाफ यानी स्टीम निकलती है उस स्टीम का यूज करके टरबाइन को घुमाया जाता है और जनरेटर बिजली प्रोड्यूस करता है। ये सब थे टरबाइन को घुमाने के तरीके। अब मैं आपको बताऊंगा जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर को आगे टरबाइन लगा रहता है और उस टरबाइन को एक कॉपर की कॉइल अटैच रहती है। जैसे वो कॉपर की कॉइल जोर जोर से घूमती है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उस जनरेटर में एक मैग्नेट रहता है, मैग्नेट स्टेबल रहता है और वो कॉपर की कॉइल टरबाइन के साथ घूमती है। वो कॉपर की कॉइल मैग्नेट के अक्रॉस जोर जोर से घूमती है, उससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जनरेटर में हमने जो बिजली प्रोड्यूस की है वो हम प्लांट के ट्रांसफार्मर को देते हैं। पावर प्लांट में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। उनका काम क्या रहता है, वो जो हमने बिजली प्रोड्यूस की है वो उस बिजली को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और उस हाई वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए हम बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावर यूज करते हैं। आपने ये टावर कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। ये बिजली के टावर जो पावर प्लांट में हाई वोल्टेज हमने प्रोड्यूस किया है वो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव भेजने के लिए रहते हैं। इन बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावर से हर एक शहर के सब स्टेशन को बिजली प्रोवाइड की जाती है। ऐसे सब स्टेशन आपने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। इन सब स्टेशन में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो हमारे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो बिजली पावर प्लांट से आई है वो बहुत हाई वोल्टेज रहती है और हमारे घर में जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज, मिक्सर है वो सब 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी पर काम करते हैं। अगर हम जो हाई वोल्टेज पावर प्लांट से आया है डायरेक्टली हम हमारे घर में देंगे तो वो सारे डिवाइस जल जाएंगे। सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे एरिया में जितने भी बिजली के खंभे हैं उनको वो प्रोवाइड करता है और वहाँ से एक लाइन हमारे घर के मीटर तक आती है और हम बिजली यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है और वो हमारे घर तक कैसे आती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए। अभी के लिए मैं यही रुकता हूँ। टेक केयर, बी हैप्पी।